व्हाट्सअप गैस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको गैलरी में जाके अपना फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन, ऐप का ऑप्शन दिख जाता है स्नैपसीड, स्नैपसीड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट में जो आएगा टून इमेज, इसको आपको क्लिक करना है। तो अच्छा, हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमको ब्राइटनेस बढ़ा देना है हल्का, फिर सैचुरेशन को हल्का बढ़ा देते हैं, हाईलाइट को कम कर देते हैं, शैडो को हल्का बढ़ा देते हैं और यहाँ पे डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है डिटेल्स में। डिटेल्स में आने के बाद स्ट्रक्चर को हल्का बढ़ा देंगे, शार्पिंग को हल्का बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। फिर उसके बाद आपको जाना है HDR स्पेस, ये जो है देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला चाहिए, इस कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आप जो हम ले रहे हैं वही लें, लेकिन हमको सबसे अच्छा लगता है ये वाला पीपल जो है, पीपल, इसमें बैकग्राउंड अच्छा क्लिक कर देता है। तो हम इसका फुल लेंथ स्ट्रेंथ जो है 70 की तरह कर देते हैं, एसोसिएशन को हल्का इंक्रीज कर देते हैं और ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देते हैं, बस यहाँ पे डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको इन्वर्ट का, तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू एडिट पे भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको HDR स्पेस पे क्लिक करना है और ये ड्रो वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो है हम बता देते हैं, ये है ये वाला ऑप्शन, इसको ऑन करके रखना है। हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पे जीरो है, जीरो को रखना है और फेस को ऐसे फेस पे ड्रॉ कर देना है, सिर्फ फेस पे ही और कहीं पे भी नहीं, फेस पे, हैंड पे, मैंने बॉडी के पार्ट पे और कहीं भी नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड के लिए हम किए। फिर यहाँ पे डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर यहाँ पे बैक करके फिर जाते हैं सिलेक्टिव का ऑप्शन पे, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे सिलेक्टिव करते हैं। कलर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन को माइनस की ओर, फिर डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शेयर करना होगा, कहाँ पे? तो लाइटरूम में, सिंपल। तो शेयर हो रहा है, तो आ गया ये लाइटरूम। लाइटरूम में हम इसको ऐड कर देते हैं। तो लाइटरूम में ऐड करने के बाद आपको चलते हैं लाइटरूम की अंदर, इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, तो हम देखते हैं इंपोर्ट हुआ कि नहीं, फिर से इंपोर्ट करना होगा। एक बार में इंपोर्ट हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, तो टाइमिंग लेगा कुछ। तो हमारा फोटो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको फोटो को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा, वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो लाइट ऑप्शन मिलता है, दो लाइट, जिससे कि एक ऑटो का ऑप्शन होता है जो अपने आप बैकग्राउंड का लाइट सेटल कर देगा। तो इसको आप इसको भी कर सकते हैं, ऑटो कर देते हैं तो अपना इसका जो लाइट होता है एडजस्ट हो जाता है अपने आप। तो हम इसी तरह करते हैं ऑटो। फिर उसके बाद कलर के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन देखता है मिक्स पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले जाना है आपको इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्रीन पे जाने के बाद ह्यू को कम कर दें, ह्यू को नहीं ह्यू नहीं सॉरी सॉरी ये जो है
ह्यू को, यार सेचुरेशन में करें ह्यू को फुल्ली माइनस, फिर इसको इंक्रीज कर देंगे सेचुरेशन को, इंक्रीज कर दिए। फिर आपको येल्लो में जाना है, येल्लो में जाकर ह्यू को भी ला माइनस की ओर कर देते हैं और सेचुरेशन को इंक्रीज करते हैं हल्का सा, कर दिए। फिर आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और सेचुरेशन को करीब 17-18 तक और एम्बुलेंस को हल्का इंक्रीज कर देंगे। फिर यहाँ पे रेड वाले ऑप्शन में आके थोड़ा सा सेचुरेशन एंड एम्बुलेंस को बढ़ा देंगे। फिर आएंगे यहाँ पे ब्लू वाले ऑप्शन पे, इसका सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हल्का ह्यू, डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसका विंटेज है जिसको माइनस के कर देते हैं और क्लैरिटी को बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे सर्च इसको शेयर, तो हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं स्केचबुक में एटोडेस, जिसका नाम है स्केचबुक एटोडेस, कुछ भी कहें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह इस इंटरफेस आता है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके स्मूथ देख सकते हैं, इसका नाम स्मूथ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, जो है इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग का ऑप्शन आने के बाद सेटिंग को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद साइज देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो फिर उसके बाद आप इसको समझ लीजिए, फ्लो को 4 और स्ट्रेंथ को करीब 17-20 तक, साइज को करीब अपने हिसाब से रखिएगा। फिर आपको फेस को स्मूथ करना है अपने हिसाब से, साइज को रख के स्मूथ कीजिएगा। हाँ, और फेस में टाइम दीजिएगा, टाइमिंग, क्योंकि फेस ही है जो आपको सीखना आसान हो नहीं होता, बैकग्राउंड तो सिंपली आसान हो जाता है सीखना, उसमें तो कुछ करना नहीं है, बस प्लस माइनस करना है, बस आपका बैकग्राउंड रेडी। इन फेस में हाथ चलाना होता है, तो यहाँ पे स्मूथ हो गया। फिर हमको यहाँ से शेयर करते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन में और फेस को गोरा कर देते हैं और फोटो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन में, फिर इसमें सेलेक्टिव जानते हैं, सेलेक्टिव पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को फेस पे जाकर ब्राइटनेस बढ़ा देना है। देखिए बन हो गया फेस हमारा, यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं हमारा फेस पहले फ़ोटो कैसा था और ऐसे एडिट करने के बाद भी कैसा हो गया। तो हम गैलरी में पहुंच गए, गैलरी में पहुंचने के बाद हम आपको दिखा दें कि देखिए हमारा पहले ऐसे फ़ोटो था, लाइट एडजस्ट कर दिए तब, फिर उसके बाद हमारा ऐसा हो गया आफ्टर बिफोर देख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।